गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट। मुझे पता है वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, इसके लिए रियली सॉरी, बट अब फाइनली वीडियो आ ही गई है। लेकिन आप लोग एक बात बता दूं कि मेरा वो वाला वर्ल्ड डिलीट हो गया था, तो ये मैं नया वर्ल्ड बनाया है और उस वर्ल्ड में आपने बहुत सारी चीज़ें देख भी ली थी, तो मैंने सोचा कि इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत मैं खुद कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने बहुत चीज़ें इसमें करी भी हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरा घर था और मैं भी आपको और चीज़ दिखाता हूँ, तो जल्दी से पहले ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, एक तो ये मेरा मॉप टावर है, इसमें मॉप्स आते रहते हैं, बस मैं 100 ब्लॉक्स ऊपर जाता हूँ इसके और वहाँ से मॉब्स आते रहते हैं। ये देखिए, इधर मॉब खड़ा है क्रीपर, और इसे बहुत तरह के मॉब्स आते हैं। देखिए एक जोम्बी आ गया, अभी एक ही एक शॉट में मर जाता है, इतना बड़ा है, और इससे एक्सपी बहुत मिलती है। ये देखिए मेरी चेस्ट पूरी भरी पड़ी है, मतलब पूरी नहीं, थोड़ी सी है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर ये ओके गाइस, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो ये है AFK रूम, यहाँ पर मुझे बैठ के बस जॉम्बी आने का वेट करना होता है। ये मैंने उस वाले में नहीं बनाया था, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारे जो फॉर्म दिखाऊंगा मैं आपको, इन सब के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको जाके देख के इसको बना सकते हैं। लेकिन ये 100 ब्लॉक लगभग ऊपर आ चुका हूँ मैं उससे, तभी ये वर्क करता है। और मैं आपको बता दूँ मेरे पास क्या क्या है। ये देखिए डायमंड की स्वॉर्ड है मेरे पास, जो जिसमें मेंडिंग लगी है, एक्स की स्वॉर्ड है जिसपे मेंडिंग है, और एक पिकैक्स है जिसपे भी मेंडिंग है, इन तीनों चीज़ों पे मेंडिंग है। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि डायमंड मैं जब माइन कर रहा था तो अभी मेरे पास 3 डायमंड और एक्स्ट्रा रखे होते, बट तुम्हारा भाई ना इतना स्टाइलिश है, उसे वाटर बकेट ट्रिक करनी थी, तो उसने वाटर बकेट ट्रिक के चक्कर में वो जाके मर गया। उसी चक्कर में उसकी डायमंड की पिकेक्स जिस पे मेंडिंग लगी थी वो गायब हो गई। तो मैं इसको एक और जगह गया था, वहाँ से सिर्फ 3 डायमंड मिले, वहाँ से जाकर मुझे पिकेक्स मिली। और आप लोगों को ये मैं मेंडिंग बताऊँगा कहाँ से मिली, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। मेरे को एक चैनलिंग मिली है, वहाँ पर लाइब्रेरियन है मेरा एक फार्म, मैं भी आपको सब दिखाऊँगा, तो जल्दी से वहाँ पर भी चलते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ 4 ज़ॉम्बी आ गए हैं और इन सब पे भी मेरी मेंडिंग लगी, तो ये खुद रिपेयर हो जाएंगी। मेरी एक्स, देखिए एक्स रिपेयर भी हो गई, अब पिकैक्स रिपेयर कर देता हूँ। देखिए मेरी पिकैक्स भी रिपेयर हो रही है, और यहाँ देखिए एक और ये आ गया ज़ॉम्बी, ऊपर ये स्पाइडर भी है जो कि मेरे को अब घूर रही है, चल हट। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमारे 2 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है RX Gamers, जहाँ तक मुझे नाम याद है उनका, RX Gamer ही है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, आप हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, तो उसके लिए थैंक्स। तो आपने हमसे विनती भी की थी कि एक नई वीडियो आप डालिए, आप कंटिन्यू कीजिए, तो उसके लिए है। और ये देखिए मेरा शुगर केन फार्म है इधर पूरा, ओ शुगर केन कट भी गया, चलो कोई नहीं, ये शुगर केन पूरा फार्म बना है यहाँ पर, और ये पम्पकिंस इधर रखे हुए हैं, और ये जो चीज़ है इधर इधर मैंने 2 वुल्फ मिले थे मुझे, मैंने उनसे यहाँ 4-5 वुल्फ बना लिए हैं, तो अभी मैं यहाँ पर बहुत सारे वुल्फ रखूँगा। और तो मैं अभी आपको और आगे की चीज़ें दिखा देता हूँ, पहले अपना घर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ 2-2 कैंप फायर लगाए, मतलब दूर से दिख जाए लोगों को
इतना बड़े आदमी का घर है किसी का, मतलब छोटा मोटा नहीं है। एक क्राफ्टिंग टेबल, इतनी सारी चेस्ट, दो तीन वो और एक एनविल। तो ये वाली चेस्ट है, ये वाली जो चेस्ट है सामने, ये अमीर वाली चीज़ों के लिए। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरे पास अब एमरल्ड की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो इतना सारा आयरन है ना मेरे पास, एक वहाँ पर आर्मर है, अभी वहाँ पर आपको जाके दिखाऊंगा कि वो मुझे आयरन की ट्रेडिंग करता है, उससे मुझे एमरल्ड मिल जाएंगे। और ये 3 स्लाइम है वहाँ पर, अभी मैं आपको ये जगह भी दिखाऊंगा, वहाँ पर मुझे वहाँ स्लाइम्स की कमी ही नहीं है। ये मेरा कुक्ड फूड है जो कि मैंने फिशिंग फार्म से लिया है, और ये कूड़ा है, और ये भी कूड़ा है, और ये वाली चेस्ट खाने की है, ये वाली चेस्ट अमीर चीज़ है। इससे पता है, इसमें जो लॉयल्टी लगी, इससे मैं कहीं भी फेंकूंगा तो मुझे वापस आके मिल जाएगी। और मेंडिंग का आपको पता है, और चैनलिंग मतलब अगर बिजली वाली कोई वो टाइम होगा तो उससे बिजली आके गिर जाएगी फैन से। और इस वाली बो पे मेरी मेंडिंग है, और इस वाली बो पे मेरे पंच और पावर 5 है, और इस पे इन्फिनिटी फ्लेम, ये सब लगी हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसमें शुगर केन है पूरा भरा हुआ है, और इसमें 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 स्टोन्स हैं। बस यही है मेरे घर में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत होता है गाइस। तो जल्दी से चलते हैं अपने विलेजर के पास। ओके गाइस, हम अपने विलेजर्स के पास आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये एक गेट लगाया था मैंने यहाँ पर आयरन का, कि इससे कोई अंदर ना जाए। ऐसे चल खुल जा, और ये है गेट, और आ गए हम अपने विलेजर्स के पास। तो यहाँ मैंने बेड लगाया, और ये कुछ विलेजर्स हैं। तो ये जो आर्मर है, इनसे आप देखिए, पहले आपको ट्रेडर्स दिखा देता हूँ। ये जो लाइब्रेरियन है, ये एक ट्रेडर है जो मुझको देता है, देखते क्या देता है, अभी तक तो मुझे दे रहा था चैनलिंग। हाँ, चैनलिंग देता है मुझे, उसी से मैंने चैनलिंग लगाई है। और ये लॉयल्टी देता होगा, नहीं फ्लेम देता है, जिससे कि मैंने अपनी बो पे फ्लेम लगाई है। और लॉयल्टी तो मुझे फिशिंग करने से आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। और ये मैं मंडिंग, और ये होगी फ्लेम 1। तो ओके गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा आर्मर, ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्मर है जो मेरा, इसको थोड़ा सा कोल दे दूंगा, उसके बाद सेकेंड लेवल के बाद बनने के बाद ये लोग आयरन की देखिए ट्रेडिंग करते हैं। मेरा एक और आर्मर था, अच्छा वो उधर बैठा है, तो जल्दी से चलता हूँ। ये देखिए, इसके ये मेरा है आर्मर, जिससे मैं थोड़ी ट्रेडिंग कर चुका हूँ। मेरे पास कोल, इसलिए मैं कलेक्ट भी कर रहा हूँ। देखिए, इससे मैं बहुत सारे एमरल्ड ले सकता हूँ, चाहे जितने चाहूँ। देखिए, जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं, ये मुझे 27 एमरल्ड पर एक, ये मुझे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन 2, फेदर फॉलिंग 3, डेप्थ स्ट्राइडर, थॉर्न्स 1 की, डायमंड की बूट्स दे रहा है। और ये अभी नहीं, मतलब बाद में देगा। और एक हेलमेट एक्यूरेंसी डायमंड का दे रहा है। अभी मुझे बस थोड़ा सा और चाहिए, इसको थोड़ी देर बात करेंगे आके। तो ये था मेरा यहाँ विलेजर्स का फार्म, मतलब विलेजर्स फार्म नहीं है, यहाँ पर मेरे फायदे की सब चीज़ें, थोड़ी बहुत, थोड़ी क्या बहुत है। चलते हैं आपके अपने आयरन फार्म में। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं हमारा आयरन फार्म दिखने लगा, वही है हमारा आयरन फार्म। और आपको एक और बात बता दूँ, आयरन फार्म को कम से कम 150 ब्लॉक दूर बनाना होता है विलेज से या किसी बेड से, तो मैंने इसीलिए इतना दूर बनाया है। और इधर ही अपना एक छोटा सा है पोटैटो फार्म, जिसको मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, शायद ही कभी करता हूँ, और नहीं करता तो हूँ मैं। और ये देखिए, हमारा यहाँ डॉगी बैठा है, ये वाला, मैं इसको यहीं छोड़ के चला गया था। और ये हमारा फिशिंग फार्म, इसमें बस आपको
यहाँ पर ऐसे खड़े होके यहाँ फिशिंग रॉड डालनी होती है और बार बार फिश आती रहेगी। अभी तो मेरे पास फिशिंग रॉड है नहीं तो आपको दिखा नहीं सकता। तो ये होता है यहाँ फिशिंग रॉड। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा अनलिमिटेड स्ट्रिंग एंड आयरन फार्म। यहाँ पर मैं जितनी देर खड़ा रहूँगा उतने ज़्यादा मुझे स्ट्रिंग्स और वो मिलेंगे आयरन। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आयरन अभी कम है क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ज़्यादा देर, और यहाँ स्ट्रिंग्स भी आती रहती हैं धीरे धीरे। अगर ऐसे चेस्ट में फैला के रखता हूँ ना तो उससे होता ये कि जो वो पॉपी छोड़ता है, मतलब ये फूल का नाम होता है रेड कलर का, पॉपी जो गोलम होता है वो हमको नहीं मिलेगा। ओके गाइस, हम अपने घर वापस पहुँच चुके हैं। तो ये है मेरी दूसरी माइन, मतलब आपको भी दिख नहीं रही होगी, एक मिनट दिखाता हूँ। ये है मेरी दूसरी माइन, कहाँ गई, ये देखिए ये वाली, यही है मेरी दूसरी माइन। ये देखिए पानी से मैंने छुपा के रखा है। इसके अंदर भी बहुत लंबी माइन, मैं आपको कहाँ तक दिखाऊँ, इससे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर मुझे 8 डायमंड मिले थे। तो वो 8 डायमंड से मैंने आपको पता है कहाँ यूज़ किए, 2 की स्वॉर्ड बनाए, फिर 3 से एक्स और फिर 3 से पिकेक्स बनाई। और मुझे एक और माइन है ये वाली, जहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा क्योंकि यहीं पर स्लाइम स्पॉन होते हैं। तो मैं आपको ये वाली जगह दिखा भी देता हूँ कि स्लाइम आते भी हैं और वो एक रिवेन्यू है, मतलब आई डोंट नो व्हाट व्हाट वी से, पता नहीं वो क्या होता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो वहाँ पर स्लाइम्स आते हैं, तो वहाँ तक मैं आपको ले चलता हूँ। वहीं पर मुझे 3 डायमंड मिले थे जिससे मैंने दोबारा पिकेक्स बनाई, क्योंकि पहले वाली पिकेक्स तो यू नो गाइस क्या हुआ, अभी बताया था मैंने आपको कि टूट गई थी, मतलब खो गई थी। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं। ओके गाइस, हम लोग अपनी माइन में पहुँच चुके हैं और ये देखिए यही है वो जगह जहाँ पर स्लाइम आते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा आगे है वो। तो जल्दी से वहाँ चलते हैं। ये थी यही, ये देखिए आ गया स्लाइम, आ गया ऊपर से, आया मुझे मारने। आजा 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 आजा, अरे 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 मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू, है मुझे मारेगा। देखिए गाइस यही है स्लाइम, एक तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ये देखिए गाइस, और इन्हीं से मुझे स्लाइम बॉल्स भी मिली इतनी सारी। तो मैं डर इसलिए गया था क्योंकि पीछे लावा है मेरे। तो जल्दी से मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, वहाँ पर भी स्पॉन होते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा यहीं पर होते हैं, और ये है वो जगह स्लाइम्स की। तो और यहाँ से आगे ये थी वो जगह जहाँ पर स्लाइम्स आते हैं। तो ओके गाइस, तो मैं आज तो वीडियो में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया, बस आपको यही बता पाया कि मैंने आज तक क्या क्या किया जो मैंने कैमरा पे नहीं किया था वीडियो के सामने, वो देखिए इधर भी स्लाइम्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं और भी ट्रेडिंग कर कर बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और यार ये पहली वीडियो माइनक्राफ्ट की तो इसको लाइक करना तो बनता ही है, तो इसको लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि मेरे और सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।